अज असीं तुहानूं एक अजिहे गुरद्वारा साहिब दे दर्शन दीदार कराउण दे लई लैके जा रहे हां जिथे बाबा श्री चंद जी ने करीब 62 साल तप किया सी अते इस स्थान नूं 62 साहिब दे नाम तों जाणिया जांदा है। जगत गुरु सतगुरु गुरु नानक साहिब पातशाह महाराज जी के वड्डे सपुत्र बाबा श्री चंद जी का तप स्थान है जी। इस स्थान से तकरीबन बाबा श्री चंद जी ने 62 साल का समा बतीत किया, इस कारण करके इस स्थान को 62 साहिब जी के नाम के नाल जाणिया जाता है। बाबा श्री चंद जी लंबा समा इस पावन स्थान से तपस्या कर रहे सन, तो उन्होंने मिलने वास्ते गुरु पंजवें पातशाह महाराज जी इस स्थान पर आए सन। जो गुरु पंजवें पातशाह महाराज जी इस स्थान पर आए सन उस वेले बाबा श्री चंद जी भगती दे विच लीन सन जी, जिस कारण करके बाबा जी और गुरु जी के विचकार बचन बिलास ना होए। गुरु साहब जी रोजाना ही गुरु पंजवें पातशाह जी का जो स्थान है उस स्थान को इतने थम साहब वाली जगह पर रोजाना आते सवेर ते शाम नूं ते खलोकर बाबा श्री चंद जी दे भगती दे विच उठन दी उड़ीक करते। यह सिलसिला तकरीबन लगातार 5 महीने 27 दिन चलता रहा। बाबा श्री चंद जी भगती तो उठे, गुरु साहब जी ते बाबा जी दे विचकार बचन बिलास होए, गुरबाणी वालियां कुछ पोथियां प्राप्त कीतियां। गुरु पंजवें पातशाह महाराज जी इतों वापस गए, गुरु ग्रंथ साहब जी की संपूर्णता हुई। शहादत उपरंत जो गुरु पंजवें पातशाह जी की शहीदी हुई, छेवें पातशाह मीरी पीरी के मालक गुरु हरगोबिंद जी गुरता गद्दी पर विराजमान हुए जी। वह भी अपने परिवार समेत इस पावन स्थान पर आए सन, तो जिस जगह के उपर गुरु पंजवें पातशाह महाराज जी ने संगतां दी लोड़ नूं मुख रखदिया होया ते सांझीवालता दा उपदेश देंदिया होया एक सरोवर एक खूह दी रचना कीती सी, ते उसे ही स्थान ते छेवें पातशाह जी ने एक बाग लगवाया। इस स्थान ते गुरु छेवें पातशाह जी दे कोलों बाबा श्री चंद जी ने उन्हां दे वड्डे सपुत्र बाबा श्री चंद जी ने प्राप्त किए हैं बाबा गुरदित्ता जी, ते नाल ही असीस दित्ती सी धन धन बाबा गुरदित्ता, दीन दुनी का टिक्का जो वर मंगिया सोई वर दित्ता जी। इस स्थान ते फिर बाबा श्री चंद जी ने जिहड़ी गुरता गद्दी सी उदासी मत दी बाबा गुरदित्ता जी नूं सौंप दित्ती, ते अगां उन्होंने चार धूनी स्थापित करके सिक्खी का प्रचार किया जी। इतों बाबा श्री चंद जी अगां गदौरी साहब गए, जिस स्थान पर उन्होंने 22 दिन विश्राम किया, उतों चंबे नूं चले गए आते हैं, तो उतों सचखंड प्याना कर जाते हैं। पंजवें पातशाह महाराज जी इस पावन स्थान पर आए, छेवें पातशाह महाराज जी इस पावन स्थान पर आए। बाबा श्री चंद जी की हत्थी लाई हुई इस वेले जो बेरी सी वह इस वेले एक महान विशाल दरख्त के रूप के है जी। इस ही स्थान पर एक बौली साहब है जी। गुरु पंजवें पातशाह जी की याद के गुरद्वारा गुरुसर पातशाह पंजवें पातशाह सुशोभित है जी। हर अमावसा दिहाड़ा जो है बड़ी श्रद्धा भावना के नाल मनाया जाता, खालसा साजन दिवस विसाखी बाबा श्री चंद जी का जन्म दिहाड़ा तो गुरु पंजवें पातशाह जी की शहीदी इस पावन स्थान पर मनाए जाने वाले महान गुरपुरब इतिहासक दिहाड़े हैं जी। इस वेले श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रबंध है जी, संगतां दी आमद नूं मुख रखदिया होया लंगर अते रहायश दे सुचजे प्रबंध हन। इसे ही पावन स्थान ते जिहड़ी सेवा है जी, महापुरश बाबा जगतार सिंह जी, बाबा गुरमीत सिंह जी कार सेवा वाले महापुरश तरन तारन साहिब वाले निभा रहे हैं जी। ये इत्थों दा संखेप रूप दे विच इतिहास है जी। गुरफतेह प्रवान होवे जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਜਤਿਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।